हाँ ये नीचे होगा ना पोछने का, तभी नहीं लगता जरा चुन्नी का। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। काफी लेट विश कर रही हूँ। तो ये रहा न्यू ईयर का वीडियो। हम लोग ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए गए थे, जो कि छिंदारी डैम कहते हैं, वो काफी अच्छा व्यू पॉइंट आता है वहां से और बहुत ही प्यारा लगता है। और जब जैसे जैसे बारिश वगैरह है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ना जो काफी ज्यादा धूप लग रहा था 1 तारीख के टाइम दोपहर में हम लोग गए थे, तो एंड अभी हम पहुंच गए और 2-3 घंटे नहीं, हाँ 1-2 घंटे इंजॉय किए, फिर हम लोग घर आ गए। और काफी सारी फैमिली आई हुई थी यहाँ पे, कुछ लोग खाना बनाने के लिए मतलब लेके आए थे, कुछ खाना बना रहे थे, कोई बस ऐसे इंजॉय करने आए थे। तो हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए आए थे, फिर थोड़ी देर इंजॉय किए, फिर घर चले गए। एंड अभी हम पहुंच गए यहाँ पर और खाने के लिए कुछ नहीं लेके थे, बस आते वक्त ही कुछ खाए। तो दैट्स इट गाइज। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल छाइप को सब्सक्राइब करिए अगर न्यू हो तो। तो चलो आप लोग इंजॉय करो, बाय। इधर इधर कलेक्शन रखी है भाई। मैं बोली उसको ऐसा ऐसा कलेक्शन रखना घर के, क्या वहाँ वर्मा का चलता है, वर्मा का भी अच्छा ही होता है, उसका भी अच्छा रेट है। तो मैं छुप वाइट मीठी झीलने की जरूरत पड़ती है, उसमें सामने पानी दिखता है एकदम छोटा वाला, अच्छा है। धरे धरे या पकड़े पकड़े? धरे धरे। मेरा मीठी का अच्छा वाला फोटो खींचा ना। हाँ आप पहले फोटो खींचा लेते हैं। 10 रुपए कॉपी, 10 रुपए कॉपी। नहीं मेरे मेरा मतलब फिर भी खींचने का तो लगेगा। सो गाड़ी आ रही है, उधर से आता है लगता गाड़ी। अरे कल हम लोग चला भी नहीं पाएंगे। क्या बोल रही है? हाँ गिर जाएंगे। कहा पता है नजदीक ठीक इसी का ही होगा। हाँ वही काफी ब्लर भाई लोग रहते थे ना। हाँ यहां तक हाँ धूप भी था, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था, काफी ज्यादा फॉगी फॉगी टाइप सा लग रहा था जब हम डैम देख रहे थे, मीन्स तालाब जब देख रहे थे तब। और यहाँ पे ना और झूला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है झूला झूलना, और बच्चों का है बट हम लोगों ने भी काफी इंजॉय किया। मुझे वाला झूला बहुत ऐसे ऊंचा ऊंचा करके झूलना ना बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो थोड़ा सा इंजॉय किए और चिप्स वगैरह खाए। तो यहाँ पे अब ये वाला जो झूला होता है ना राइड, इसे क्या कहते हैं यार इसमें पता नहीं, बट मैं ना इसमें जब बैठ रही थी ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरा टाइम आएगा कब, अब आ गया। अब मैं तो ना थोड़ा सा डर सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं बैठ ना जाऊँ, बट जो सामने वाली दीदी मेरे आगे जो बैठी वो मेरे से ज़्यादा उनका वेट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रही थी और ऐसा ऐसा करो ऐसा बोल रही थी, तो फिर मैं अभी कम्फर्टेबल बैठ गई। सो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और प्लीज़ व्यूज़ आते ही नहीं, आप लोग देखते नहीं, आई डोंट नो कैसे, और लाइक भी नहीं देते, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। एंड बाय, टेक केयर।